पवित्र आशीर्वाद और यज्ञ आदि सत्कर्मों से राम जी ने पवित्र अवतरण धारण कर लिया और समय पर लीला करते करते राम जी गुरु के धाम गए, पढ़ के आए, लौट कर आए, विश्वामित्र के पवित्र यज्ञ की रक्षा की और विश्वामित्र को भी गुरु मान करके उनके यहाँ भी अध्ययन किया। स्वयं नारायण स्वयं विष्णु संत सेवा में और अध्ययन में लगे हुए हैं महाराज। जिनको संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है वो पढ़ने के लिए संसार में आए, जिनकी वाणी से वेद उगले हैं उपजे हैं और वही वेद को पढ़ने के लिए गुरु के पास गए हैं। तो भागवत के अनुसार मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप चाहे जितने भी महान पैदा हो जाओ पर बिना गुरु सन्यासी की शरण में जाए बगैर आप में महानता और भगवत्ता आ नहीं सकती है। जितना ज्ञान लेके घूमो घूमो, अपने अपने मजहब अपने अपने धर्मों के अनुसार किसी न किसी महापुरुष का सानिध्य जरूर लो। प्राण प्रतिष्ठा के बगैर मूर्ति को अधूरा मानते हैं, गुरु दीक्षा के बगैर मानव के शरीर को अधूरा मानते हैं, मानव के जीवन को अधूरा मानते हैं। जन्मना जायते शूद्र संस्कारम ध्वजोच्यते। जन्म तो हमेशा शूद्र के रूप में ही होता है हमारा। जब संस्कार मिलता है तो दूसरा जन्म होता है और वो दूसरा जन्म कुछ भी हो सकता है, गुरु कृपा से भगवत कृपा से भजन ध्यान से। राम जी ने यज्ञ की रक्षा की और संत साधुओं की सेवा की। राम जी को जाना पड़ा विश्वामित्र जी के साथ में, कहां जहां पत्र आया जनक जी के यहां जनकपुर में। जाते जाते श्री राम जी ने मार्ग में अहिल्या देवी का भी उद्धार किया। जनकपुर में जाकर सीता से तो जनकपुर के बाहर ही भेंट हो गई। जनकपुर में चले गए, रावण आदि अनेक महारथी आए हैं स्वयंवर में धनुष को उठाने के लिए, पर जब सभी प्रतापी थक गए रावण भी थक गया तो राम जी का नंबर पड़ा। राम जी ने गुरुदेव के चरणों को स्पर्श किया, छुआ, प्रणाम किया। जितने महापुरुष बैठे सबको प्रणाम किया और माता पार्वती को शिव जी को भी प्रणाम किया, ध्यान किया, आज्ञा ली और धनुष का पूजन किया, धनुष को प्रणाम किया। जैसे ही धनुष के पास पहुंचे हाथ लगाया धनुष स्वयं खड़ा हो गया। राम का नाम लेके जो तर जाएंगे हाँ मर जाएंगे, भव सागर वो पार उतर जाएंगे। राम का नाम लेके पीछे जो दुनिया चिल्लाती है ना राम नाम, हाँ ये सारी दुनिया फिर माया को ठगने के लिए चिल्लाती है, पर जो मर गया है वो दुकान दुकान करके ही मर गया। राम राम करके अगर मर जाता तो फिर राम नाम सत्य है, सत्य मने गत्य है, ये सब चिल्लाने की जरूरत पड़ती नहीं महाराज। क्यों? सारी दुनिया में प्रचार हो जाता है कि राम का नाम लेके गया है इसलिए विमान लेने आया है, इसको हमें ले जाने की जरूरत नहीं है। बांस की लकड़ियों पे उसे ले जाना पड़ता है जिसके मुंह से राम नाम निकलो ना। मरते समय तक कान फूट गए, हाथ टूट गए, घुटने फूट गए, घुटने टूट गए, अखियां बंद हो गईं, इतना सब हो गया है पर फिर भी चित्त में से माया निकलती नहीं है। ऐ अंधा बहरा गूंगा लंगड़ा भी चबूतरे पे बैठ के आज इलेक्शन की रिपोर्ट मांग रहा है। बोलो 90 साल का बाबा कान फूटे पड़े, अखियां फूटी पड़ी हैं, घुटने टूटे पड़े और ओटे पे चबूतरे पे बैठ के, अच्छा भाई बताओ कहाँ चल लो इलेक्शन में, बताओ
पोलिंग पे कौन की चल रही है, हवा। तो मैंने कही हवा पोलिंग पे नेता की ना चले, हवा तो भगवान की चले। कौन सी पार्टी की हवा चल रही है, पार्टी कितनी भी आओ कितनी भी जाओ, चाहे पूरे के पूरे नंबरों से जीतो, पर हवा तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की चलेगी, किसी की चलने वाली नहीं है। चार दिन की चांदनी, बिल्कुल सही कहा लाला। अब देख लेना 3 दिसंबर को कितने मंत्री, मंत्री तो छोड़ो एमएलए भी नहीं रहेंगे, 5 ही साल में सब खत्म। क्योंकि संसार का कोई भी पद गौरव सम्मान ज्यादा दिन रहता नहीं है, इसीलिए एक ही पद गौरव ऐसा है जिसका नाम है भक्त। अजन्मा है अजन्मा, मर के भी नहीं मरेगा। और जब भी भक्त गुस्से में आ जाए किसी दिन और बटन तोड़ दे छाती की, तो छाती की बटन तोड़ते ते ही उसके दिल और हृदय में राम ही राम दिखाई देंगे, और कुछ दिखाई दे सकता नहीं है। अच्छा गुरुजी सही कह रहे हो, हमारे हृदय में तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करो गुरुजी तो खून निकलो खाली। मैंने कि वही निकलेगा तुम्हारे हृदय से तो, क्योंकि तुमने कभी भी राम को हृदय में धरा नहीं है, तो वो निकलने वाला भी नहीं है। अच्छा माता बहनों, तुमने जिस डिब्बे में नमक भर के धर दियो किचन में, उस डिब्बे में से ढक्कन खोल के चम्मच डाल के शक्कर निकाल के बताओ, चीनी। अगर तुमने नमक भरा है डिब्बे में, तो समय आने पर नमक ही निकलेगा, चीनी निकलने वाली नहीं है। ऐसे ही जो हम अपने अंदर भरते हैं, समय आने पर वही निकलता है, दूसरा कुछ निकलने वाला नहीं है महाराज। अब आपकी मर्जी है, महात्मा तो काफी मेहनत कर रहा है समझाने के लिए, बाकी सब तुमको ही समझना है, बाकी तुम्हें ही सब लीला करनी है महाराज।